लो। हाँ पैनल का नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। आप देख रहे हो मैं एक ऐसी कार में बैठा हुआ हूँ जिसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनका ये कहना है कि वोकल फॉर लोकल, तो ये पूरी तरह से लोकल है, हाथों से बनाई गई है, और इसीलिए मैं इसमें डेमो करने के लिए अंदर बैठा हूँ, आपको मैं दिखा पाऊँ। और ये जो चीज़ें इसके बारे में जो इसके बनाने वाले हैं उसकी पूरी जानकारी भी मैं आपको दूंगा, लेकिन क्या कुछ इसमें है, क्या फीचर्स है, वो हम अभी इसके बारे में पूरी बातचीत करेंगे। लेकिन यही एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि ऐसे प्रोडक्ट को बढ़ावा मिले और हमारे देश की प्रतिभाएँ हैं जो वो आगे आए। रोल दोस्तों, मैंने अभी आपको गाड़ी दिखाया, जिस गाड़ी में मैं बैठा हुआ था, उस गाड़ी की निर्माता वर्तक इंजीनियरिंग कॉलेज की जो स्टूडेंट्स है, ये है इनके साथ, इनके लेक्चरर है। अब इनसे पूरी जानकारी लेते हैं। थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ कि इंजीनियरिंग जितना पढ़ाई से इंजीनियरिंग होती है, उतना माइंड से होती है, और माइंड इन बच्चों का कहाँ काम कर रहा है, इन स्टूडेंट का आप देख सकते हो। आपके सामने एक इन्वेंशन पड़ा है, ये इन्वेंशन ऐसा इन्वेंशन है जिसकी आज के समय में काफ़ी ज़रूरत है। ये पूरा जो गाड़ी देख सकते हैं, ये सोलार पैनल पे बना हुआ है, इसमें कहीं भी डीजल या पेट्रोल का ज़रूरत नहीं है, पूरा सोलार सिस्टम पे चलता है, और हर तरफ इसमें सोलार पैनल आप जगह जगह पे देख सकते हो। हमको ऐसा बताया गया है कि ये वर्जन 4 है, यानी कि ये कॉलेज जो है सतत 2015-16 के बाद से सतत जो है 3-4 वर्जन इस तरह के बना चुका है। ये वर्जन 3 है और इसके आगे डेवलपमेंट का काम जारी है। हम बात करते हैं सर, नमस्कार। नमस्ते सर, आपका नाम? मैं दीपक चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वर्तक इंजीनियरिंग कॉलेज, वसई। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि आप इस तरह की चीज बता रहे हो जिससे न सिर्फ आपके कॉलेज का बल्कि हमारे वसई का नाम रोशन होने वाला है। सर, ये बताइए कि इस तरह का ये प्रोडक्ट बनाने का जो प्रेरणा है वो कहाँ से आई, और आपका ये आइडिया था कि आपके स्टूडेंट का ये आइडिया है? ये तो पूरा आइडिया स्टूडेंट्स का ही है, हम तो सिर्फ इस इनको गाइड करते हैं, लेकिन पूरा जो आइडिया है, उनका जो हार्डवर्क है, और गाड़ी बनाने के लिए जो पैसा चाहिए उसमें से जो स्पॉन्सरशिप है वो स्टूडेंट्स ही करते हैं। और हमारा मोटो जो है कि जो अकेडमिक हम लोग पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स लोगों को, सो अकेडमिक्स के साथ साथ स्टूडेंट्स कुछ प्रैक्टिकल वर्क भी करें, जो हम लोग बोलते हैं कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, यार उसको जो हम बढ़ावा दे रहे हैं ये अलॉन्ग विथ अकेडमिक, यार कि वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी करें। अभी ये जो हमारा सोलार कार का प्रोजेक्ट है जो 2017 में चालू हुआ, या तो इट इनिशियली वो बहुत बेसिक लेवल पे था, यार पैनल्स भी इतने इफिशियंट नहीं थे, गाड़ी भी इतना नहीं चलता था यार, और लेकिन वो फिर 2017 से धीरे 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 उसमें जो इम्प्रूवमेंट करते गए, तो आज वो थर्ड वर्जन पे है, और जो आपको के सामने दिख रहा है वो थर्ड वर्जन है। इसके बाद में हम लोग इसमें और मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, अभी गाड़ी 3-व्हीलर है और उसमें एक ही हब मोटर है, लेकिन नेक्स्ट वर्जन में पैनल्स भी इफिशियंट रहेंगे और गाड़ी 3-व्हीलर से हम लोग उसको 4-व्हीलर भी बनाएंगे, सो दैट वो ज़्यादा चल सके, और बॉडी वर्क अगर अच्छी तरह से बनाएंगे तो उसमें कंफर्ट भी महसूस हो सकता है। सर, इसको बनाना कितना आसान है और कितना मुश्किल है? इसको बनाना तो इतना आसान नहीं है यार, मुश्किल ही है। मुश्किल इसके लिए है कि फर्स्ट वी रिक्वायर द मनी यार, फंड यार, टू प्रोड्यूस एनीथिंग, टू डू एनी टाइप ऑफ रिसर्च। ओके, जितना हो सकता है कॉलेज हम लोगों को फंडिंग करता है यार, बट मोस्ट ऑफ द फंडिंग यार वी रेज फ्रॉम द नियर बाय इंडस्ट्रीज यार, और वैसे के जो लोकल लोग हैं यार वो भी हम लोगों को फंड प्रोवाइड करते हैं इनकी इसके रिसर्च के लिए। जो अराउंड वैसे इंडस्ट्रीज है वो हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग के लिए हेल्प करते हैं, और इस ऐसे सब का कॉन्ट्रीब्यूशन होने की वजह से हम लोग ये चला पा रहे हैं। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम मनीषा कुशवाहा है और मैं टीम BCTS इलेक्ट्रॉन में कैप्टन हूँ, और मैं यहाँ पर थर्ड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हूँ। आपको सबसे पहले हम बधाई देते हैं आपके इस प्रोडक्ट की। थैंक यू सो मच सर। अभी जो सर को पूछा था, फिर वो सवाल एक बार दोहराऊंगा कि ये प्रेरणा कहाँ से मिली?
सर, ये प्रेरणा हमें मोस्टली इसी बात से मिली है कि हमने ऑब्जर्व किया है कि पेट्रोल और डीजल का प्राइस हर दिन बढ़े जा रहा है और कभी ना कभी फ्यूचर में एक पॉइंट आएगा जहाँ पर पेट्रोल और डीजल ख़त्म हो जाएगा। सो ये चीज़ हमारे जो सीनियर्स थे मितेश सावंत और महेंद्र सोलंकी, जिन्होंने टीम को फॉर्म किया था 2017 में, उन्होंने ये चीज़ पहली बार सोची थी कि क्या ऐसा एक गाड़ी बना सकते हैं हम जिसमें डीजल और पेट्रोल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो हमें ये स्ट्राइक हुआ कि क्यों ना हम सोलार इलेक्ट्रिक कार बनाएं जिसमें सन का पावर भी यूज़ होगा, एट द सेम टाइम हम बैटरीज भी यूज़ करेंगे, मोटर्स भी यूज़ करेंगे, और इससे प्लस पॉइंट ये होगा कि हमें डीजल और पेट्रोल का जो बढ़ रहा है प्राइस हर दिन वो भरना नहीं पड़ेगा, वो हमें एक कॉस्ट कटिंग देगा। एंड सेकेंडली, जो पॉल्यूशन हो रहा है, हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें नेसेसिटी फील हुई कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए हट के जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बता सके कि कैसे सोलार इलेक्ट्रिक व्हीकल ही हमारा फ्यूचर है और कैसे हमें एक अच्छा राष्ट्र या फिर अच्छा देश कैसे निर्माण करना है। और मैडम, ऐसा है कि सवाल ये है कि इसका मजबूत पक्ष क्या है और कमज़ोर पक्ष क्या है। मजबूत पक्ष जैसे कि ये सोलार है, इसमें किसी तरह की डीजल की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की एक बार इन्वेस्ट करने के बाद में किसी तरह की मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कमज़ोर पक्ष, अभी क्लाइमेट ऐसा है कि जब सोलार है ही नहीं, सनलाइट है ही नहीं, तब ये कैसे वर्क करेगा, किस तरह से इस पर क्या काम? सर, अभी ये गाड़ी सोलार प्लस इलेक्ट्रिक है, तो जब भी ऐसा मौसम है जहाँ पर सन इतना ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं दे पा रहा है अपने रेस के थ्रू, तो हम इसको बैटरी पे चला सकते हैं। इसमें बैटरी भी है और मोटर भी है, सो बैटरी और मोटर के कॉम्बिनेशन से हम उस टाइम पे इलेक्ट्रिकली गाड़ी को चला सकते हैं। और जब हमारे पास सन की एनर्जी अवेलेबल है 12 बजे के आसपास दोपहर के टाइम में, जून जुलाई के टाइम पे जब बहुत ज़्यादा सन की एनर्जी होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें सन रेज मिलता है, तभी हम हमारी गाड़ी को सोलार पे चला सकते हैं एंड उससे साइड बाय साइड चार्ज भी होता रहता है हमारा बैटरीज भी। ऑन टेस्टिंग इसका माइलेज कितना होगा? ऑन टेस्टिंग इसका माइलेज 120 किलोमीटर प्लस है। एंड अगर सोलर पैनल से चार्ज भी हो रहा है एंड डिस्चार्ज कार भी चल रहा है तो 120 से ज़्यादा भी जा सकता है। इसका मैक्स स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर, पर एज पर हम लोग के इवेंट्स के रूल बुक के हिसाब से हम लोग 60 पे लिमिट करके रखते हैं स्पीड। क्या सोचना है आपका कि इस तरह से इन्वेंशन करके हम कहाँ तक अपने देश को ले जा सकते हैं और आगे इसके बारे में क्या आपकी सोच है, किससे बड़ा क्या करने की सोच रही है? तो इसके आगे हम लोग ने एक सोलार इलेक्ट्रिक कार बनने का स्टार्ट किया, सोचा था 2017 में। तो जैसे ही हम लोग के हर साल नए नए कार्स बनते गए तो हर कार में कोई ना कोई चेंजेस आते गए, चेसी में चेंज आया, हम लोग ने खुद का हब नकल डिज़ाइन करना चालू किया, ये सब कार के पार्ट्स है, डिस्कैन कैलिपर आपको पता रहेगा, तो वो हम लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद डिज़ाइन करते हैं स्टूडेंट्स, तो हर एक छोटे छोटे पार्ट्स इन्वेंट करते गए। अभी लास्ट ईयर हम लोग ने सोचा था कि गार्ड को ड्राइवरलेस करेंगे, ऑटोनॉमसली बनाएंगे, टेस्ला के लेवल से कंपेयर करके, तो हम लोग ने वो भी इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया है और ऑलमोस्ट 50-60% हम लोग का कंप्लीशन पे है। अभी जैसे मैडम ने बताया कि दो नाम आपके, एक्चुअली ओवरऑल टीम में कितने लोग हैं जिनकी ये मेहनत है और कितने सालों से आप इस पे काम करते हैं? सर, हमारा टीम 2017 में फॉर्म हुआ था और ये आइडिया जो है मितेश सावंत और महेंद्र सोलंकी, ये हमारे फाउंडर्स हैं। ये दो लोग थे जिन्होंने पहली बार टीम के बारे में सोचा, ऐसा कुछ अलग करने के लिए सोचा और कॉलेज से इसके लिए उन्हें अप्रूवल भी मिल गया। जैसे ही उन्हें वो अप्रूवल मिल गया, उन्होंने मल्टी डिसिप्लिनरी ब्रांचेस से स्टूडेंट्स को उठाया, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, ELECTRICITY हो गया, IT हो गया, सिविल हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, ये सारे ब्रांचेज से स्टूडेंट्स को उठाया और उन सारे स्टूडेंट्स के साथ कोलैबोरेटिवली वर्क करके उन्होंने रिसर्च किया, डिज़ाइन किया खुद का एक कार। जो फर्स्ट मॉडल था वो हमारा 2017-2018 में बन गया था और हम उस टाइम पे NSVC में पार्टिसिपेट किए थे, नेशनल सोलार व्हीकल चैलेंज। फिर उसके बाद जब वो जो मेंबर्स थे मितेश सावंत एंड हिज ग्रुप, जब वो पास आउट हो गए तो उनके जो जूनियर मेंबर्स थे उस टाइम पे, जो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में थे, उन्होंने टीम को आगे कंटिन्यू किया और वैसे ही कंटिन्यू होते 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 हम आज 2020 में नेशनल सोलार व्हीकल चैलेंज, हम पूरे जो कि एक नेशनल लेवल इवेंट है, चैम्पियनशिप, ये VNIT नागपुर में हुआ था, हम ये इवेंट जीत गए थे। सो ये जो सीरीज़ रहा है, हमने हर साल कुछ ना कुछ नया इम्प्लीमेंट किया है कार में और इम्प्रूव किया है और अभी हमारा फ़िलहाल एम यही है कि जैसे जैसे टीम आगे बढ़ते जा रही है, हम इसमें कुछ ना कुछ नया इनोवेट करें और एक टाइम आएगा जहाँ पे हम गवर्नमेंट को ये अपील भी करते हैं कि कार्स जो है हमें कमर्शियली अवेलेबल भी करनी चाहिए, जिसकी वजह से लोगों को कम से कम डीजल और फ्यूल के पीछे खर्चा करना पड़े। कितने लोगों की टीम है? हमारी टीम फ़िलहाल 40 लोगों की है, 40 लोगों की है अप्रॉक्सीमेट।
तो इन 40 लोगों को भी हमने अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से कुछ लोग जो है चेसी पे काम करते, कुछ लोग ब्रेक्स में काम करते, कुछ सस्पेंशन में, कुछ स्टेयरिंग में, कुछ ऑटोनोमस फीचर पे काम करते. तो इस तरीके से काम को हमने डिवाइड करके रखा है लोगों में. आपने अभी स्पेसिफाई किया है कि कुछ लोग इस सेक्शन में. हाँ, सबसे हार्ड सेक्शन क्या? सबसे हार्ड सेक्शन नहीं बोला जा सकता कि कौन सा सेक्शन सबसे हार्ड है. डिज़ाइनिंग को हम एक तरीके से प्रायोरिटी दे सकते हैं, बट क्योंकि अगर डिज़ाइनिंग करना है तो हमें स्पॉन्सरशिप लाना पड़ेगा, कुछ हमारे पास फंडिंग होनी चाहिए, एंड अगर हमारे पास फंडिंग है तो डिज़ाइन भी होना चाहिए रेडी. तो दोनों चीज़ें इक्वली बैलेंस होती है, और मेरे हिसाब से अगर कोई भी एक चीज़ गिरती है तो पूरा टीम ही डिसबैलेंस होगा. सो मेरे लिए सारी चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है. सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है फंडिंग. सर ने भी बताया कि आपको कुछ लोग स्पॉन्सरशिप करते हैं, तो वो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट किस हिसाब से करते हैं, आप उनको कैसे कन्विंस करते हैं? सर, ये एक और चीज़ है जो यहाँ पर टीम में रहने के बाद स्टूडेंट्स को सीखने मिलता है कि वो यहाँ पे आने के बाद अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ कैसे इंडस्ट्रियल लोगों से अप्रोच करना है, कैसे उनके पास जाना है, कैसे कन्विंस करना है लोगों को, कैसे उन्हें अपनी ऑथेंटिसिटी बतानी है कि आप उनके पैसों का सही इस्तेमाल करने वाले. हम जो हमारे स्पॉन्सर्स होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंजल ऑटो, ये हमारे टाइटल स्पॉन्सर रह चुके हैं. ये जो व्हीकल है इसमें काफ़ी सारे नाम यहाँ पर आपको दिखेंगे, पनाम, स्लेडॉन, एंजल ऑटो, C2M, रोटामेक इंजीनियर्स, बेसिन कैथलिक. यहाँ पे काफ़ी सारे ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं, जीजाऊ जूस लॉन्च, ये सारे हमारे स्पॉन्सर्स जो हैं. हम इनके पास जाते हैं, हम इन्हें बताते हैं कि हमने ओवर द ईयर्स क्या क्या काम किया है और हमारे क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं. और जैसे ही हमें स्पॉन्सर करते हैं, हम इनका प्रमोशन करते हैं, एंड वी आर रियली थैंकफुल कि वो हमें सपोर्ट करें, बिकॉज उनके वजह से ही हमारे टैलेंट को, जो इतने सारे लोग हैं जिनके अंदर इतना पैशन है कुछ अलग करने के लिए, हम फुलफिल कर पा रहे हैं. एंड उनके ही सपोर्ट की वजह से हम ये चीज़ एक्चुअली ट्रू कर पा रहे हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हम उन पर ट्रस्ट इस वजह से बिल्ड कर पाते हैं बिकॉज हम जो भी जहाँ भी स्पेंड करते हैं, उनका बिल्स, उनका अमाउंट, कहाँ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम उनको कॉन्स्टेंटली अपडेट करते रहते हैं कि हमने आपके पैसे का इस चीज़ में यूज़ किया है, दिस इज़ द बिल फॉर दैट. ऐसे करके हम उनके साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो भी स्ट्रॉन्ग करते हैं. हमने अभी भी सुना है कि आपको अगले वर्जन के लिए भी 1,00,000 रुपये से कुछ ज़्यादा का फंड आपको मिल चुका है, क्या सही है? हाँ सर, हमें एडम फैब्रिक वर्क्स करके एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वहाँ से हमें 1,00,000 रुपीज़ का स्पॉन्सरशिप रिसेंटली मिला, एंड वी आर रियली थैंकफुल फॉर एडम फैब्रिक वर्क्स कि उन्होंने हमारे इस आइडिया एंड प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया, एंड इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ पीपल लाइक देम कि हम आगे ग्रो कर रहे हैं. एक आखिरी सवाल, अपनी उम्र के बाकी बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सिर्फ उन्हें ये बोलना चाहूँगी कि यूथ ही पावर है, एंड ये जो टाइम फेज है हमारा, एज ग्रुप जो होता है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, या तो हम उसमें कुछ गलत सीख सकते हैं या तो कुछ अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं, एंड ये हमारा पर्सनल कॉल होता है कि हमें क्या करना है. सो हम किससे इंस्पिरेशन लेते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हमारे लिए कॉलेज ने एक बहुत ही अच्छा वे ओपन किया, सो आई विल रियली बी थैंकफुल कि मैं विद्यावर्धिनी कॉलेज की एक पार्ट हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे रॉन्ग रास्ता हटा करके सही रास्ता दिखाया है, एंड मेरे जो सीनियर्स रहे हैं, मेरे जो टीम के मेंबर्स रहे हैं, उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया. तो मैं यूथ को सिर्फ ये बोलूँगी, आप अपने कंपनीज और अपने अकुम जो भी आपके पैशन है उसको फॉलो करिए, और अपने सर्कल को भी उसी तरीके से बिल्डअप करिए. अब बोलिए, ये आप देख सकते हैं, ये जो बारकोड है ये क्राउड फंडिंग के लिए इन्होंने किया हुआ है, आप इनकी मदद कीजिए जो आपसे बनता है. डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला हुआ है और उस लिंक पर जाइए और जो आपसे बन सकता है मदद कीजिए, ताकि इन्वेंशन को और भी आगे बढ़ाने को, वाइल्ड करने को इनके लिए इनके पास फंड हो और पैसे की कमी कभी आने ना पाए. तो ये एक रिक्वेस्ट है, खास करके इस रिक्वेस्ट पर ध्यान दीजिए और जितना हो सके इन इंजीनियरिंग के छात्रों की मदद कीजिए. तो ये आप सुन रहे थे, हम अभी चर्चा कर रहे थे वर्ता कॉलेज के इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं इनसे, स्टूडेंट्स से, और इस गाड़ी के बारे में पूरा इन्होंने जानकारी दी, कहाँ से फ़ंड इनको मिलता है उनकी जानकारी दी, किस तरह से ये काम होता है, किस तरह से इनकी टीम काम करती है. तो कहीं ना कहीं अंत में जो इन्होंने एक संदेश देने की और आह्वान करने की जो कोशिश की है, उसकी वाकई में काफ़ी ज़रूरत है. आज का जो यूथ है कहीं ना कहीं भटक नहीं जाए, और इस तरह से सीधे राह पर चलता रहे तो हमारा देश कहीं आगे तरक्की करेगा, ये डेफिनेटली है, ये करने ही वाला है. दोस्तों, फिर से मैं एक बार कहूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए. इन लोगों की जो मेहनत है, जो आपने लाइव डेमो देखा है, उस मेहनत को पार लगाने और ऐसा इनको आत्मबल मिले कि जिससे ये आगे और भी फ्यूचर में देश को आगे ले जाने के लिए खुद ऐसे कुछ इन्वेंशन और भी आगे करते रहे. आज के लिए इतना ही. हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786
अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।